तो आखिरकार क्यों नहीं होने दिया फ्री फेयर इलेक्शन यूपी के अंदर? किस तरह से यूपी पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है, और यूपी पुलिस ने इलेक्शन के टाइम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर रिवॉल्वर निकाल कर लहराई दोस्तों। और पुलिस का कहना है कि जो हमारे ऊपर हमला हो रहा था, पथराव हो रहा था, इसलिए हमने रिवॉल्वर निकाले। पर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं कोई से पत्थर मार रहा है। हाँ, पर यूपी पुलिस का ये झूठा भरा बयान सामने आया है। और दो तीन महिला वोट देने के लिए जिनके हाथ में वोटर आईडी है, वो सामने से चल कर आ रहे हैं, और सामने जो पुलिस है, यूपी पुलिस का अधिकारी, उनके ऊपर सामने से गन लगाता है दोस्तों। ये कैसी गुंडागर्दी है, लोगों को पुलिस को तक पहुंचने नहीं दिया गया। हाँ, और पुलिस का क्या काम है? पुलिस का ये काम है कि जो वहाँ पर आप इलेक्शन हो रहा है उसकी सुरक्षा कीजिए, कौन माहौल ख़राब तो नहीं कर रहा है वहाँ पर, वो पुलिस का काम है। पर पुलिस ने क्या काम किया आपको पता है? यूपी पुलिस ने सबसे बड़ी गलती कि लोगों के आधार कार्ड चेक किए, लोगों के इलेक्शन कार्ड चेक किए। इसका अधिकार तुमको किसने दिया? अंदर इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे थे, वो क्या मक्की मारने आए थे क्या? वो लोग चेक कर सकते थे ना, आधार कार्ड चेक करते थे, इलेक्शन कार्ड चेक करते थे, स्लिप चेक कर सकते थे। तुमने लोगों का टाइम पास क्यों किया बाहर पोलिंग बूथ पर? आधार कार्ड बताओ, पैन कार्ड बताओ, हाँ राशन कार्ड बताओ, तुम कौन होते चेक करने वाले? हाँ, कैसे लोगों को परेशान किया गया? और MIM के जो कैंडिडेट है उनके लड़के को पुलिस ने थप्पड़ मार दिया, ये कौन सी गुंडागर्दी है? संविधान के खिलाफ काम किया है पुलिस ने वहाँ पर। पुलिस के ऊपर जांच होनी चाहिए दोस्तों कि किस तरह से, जैसा यूपी के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया पुलिस ने, हर जगह पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है दोस्तों। कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब पुलिस के बेस में कोई दूसरा ड्यूटी कर रहा था, पर असल में हकीकत में पुलिस ही थी दोस्तों वहाँ पर तैनात थी, जो लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। और दूसरी बात है कि अगर महिला मुसलमान महिला जो वोट करने जाती है हिजाब के अंदर, तो उनका हिजाब उतारने की परमिशन तुमको किसने दी? यूपी पुलिस को हिजाब उतारने की परमिशन किसने दी? इलेक्शन कमीशन के लोग अंदर क्या कर रहे थे फिर? इलेक्शन कमीशन की जो महिला अधिकारी थी, वो उनको अधिकार है कि सामने वाले का आईडी और फेस से मैच करे, तुम क्यों मैच कर रहे थे? तुमको अधिकार किसने दिया? ये सब संविधान के खिलाफ यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर काम हुआ है दोस्तों, कि किस तरह एक तरफा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। और कितने मुसलमान तो देखे कि पुलिस वहाँ पर मार रही है, पुलिस बंदूक निकाल कर खड़ी है, डंडा लेकर खड़ी है, पुलिस ने कई लोगों को पीटा है दोस्तों। इसके डर से वहाँ के जो मुसलमान है वोट डालने नहीं गए दोस्तों, और जो वोट डालने जा रहा था उनसे बहस मारी, तुम्हारा आईडी ऐसा क्यों है? ये सब काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम है सिर्फ को ध्यान रखना, और जो माहौल है, जो आसपास का माहौल अगर बिगड़ता है उस पर नज़र रखना है। आपका काम नहीं आईडी चेक करना, इलेक्शन कमीशन के लोग अंदर बैठे ले, जब वो लोग आपको बोले कि इसकी आईडी फर्जी है, ये यहाँ पे तांगड़ो कर रहा, तो जब तुम्हारा काम था वहाँ पे, इसके पहले तुमने ये जो हरकत की है सब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई मुसलमानों की, वोट देने तक अब निकलने नहीं दिया जा रहा है घर से। अगर वोट देने जा रहे तुम लोग, तो तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक तानी जा रही, डंडा लेके पुलिस दौड़ा रही। पुलिस का अधिकार क्या है? वहाँ की सुरक्षा करना, माहौल देखना, पोलिंग बूथ का। अपन पुलिस क्या काम कर रही दोस्तों? पुलिस आधार कार्ड चेक कर रही, राशन कार्ड चेक कर रही, इलेक्शन कार्ड चेक कर रही, ये पुलिस काम कर रही। बैरिकेडिंग लगा के बाहर पब्लिक लेकर खड़ी है, सबको परेशान करना। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके चेहरे से हिजाब हटाकर उनका चेहरा देखना, तुमको परमिशन किसने दी? अंदर इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे ले, उनमें महिला अधिकारी है, वो उनका फेस और वोटर आईडी मैच कर सकती, तुम लोग कौन हो सकते हैं? फिर भी अगर मुसलमान नहीं सुधरा, अपनी मुस्लिम लीडरशिप को नहीं उभारा, तो इससे बुरे दिन देखेंगे यूपी में। समाजवादी ने क्या किया तुम्हारे साथ में? कांग्रेस ने क्या किया? हाँ, NCP ने क्या किया? किसने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए लोग आते कि मुसलमान का वोट सबको चाहिए, और मुसलमानों के लिए विकास नहीं, उनके हक की बात नहीं, मस्जिद पर, मदरसे पर हमला हो, 3 तलाक के बारे में, हाँ वक्फ बोर्ड के बारे में, हर चीज़ के बारे में इनको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इनको अपना मुसलमानों का वोट लेना है दोस्तों, समझे? ये हालत है, 70 साल से मुसलमान इन पार्टियों की गुलामी कर रहा है दोस्तों। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है, कि तुमको पोलिंग बूथ तक भी जाने नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर रिवॉल्वर तानी जा रही है दोस्तों, तुम्हारी महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाया जा रहा है, तुम्हारी वोटर आईडी चेक की जा रही है, और MIM के जो नेता है वहाँ पर
उसके लड़के को थप्पड़ मारे जा रहे और पूरे ऐसा वहाँ पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसा विश्व युद्ध शुरू है यहाँ पर पोलिंग बूथ पर ऐसा माहौल है कि लोग डर रहे, वोट देने जा नहीं रहे, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया, समझे। ये यूपी पुलिस की हकीकत है दोस्तों। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो फिर आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों। इसलिए अपने मुस्लिम लीडरशिप बनाइए, अपना मुस्लिम लीडर तैयार कीजिए। आप किसी दूसरे लीडर को तैयार कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ भी काम कर रहा। तो इसलिए दोस्तों जागो, यूपी के मुसलमानों और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों जागो, MIM को सपोर्ट करो, क्योंकि MIM अपने हक की बात करती है। अभी जो संसद में कौन है, असदुद्दीन ओवैसी बात करता मुसलमानों के लिए, 3 तलाक पे, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उस पर, हाँ, हिजाब के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे असदुद्दीन ओवैसी बात करता है। तो हमारा लीडर भी कौन होना चाहिए, फिर असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए, समझे। तो इसलिए दोस्तों जो यूपी का अभी माहौल है, अगर 10-15 सीट MIM की रहती है वहाँ पर, तो किसी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई मुसलमान महिला के ऊपर गन ताने, हाँ, ऐसी हिम्मत नहीं होती। और वहाँ के लोग 10 बार सोचते जो कानून है, संविधान है, उसकी तजिया उड़ाने के लिए जो तजिया उड़ाई गई है यूपी पुलिस के द्वारा, वो 10 बार सोचते थे दोस्तों कि किस तरह से फ्री फेयर इलेक्शन वहाँ पर होने नहीं दिया। अब आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।